The things made up of metals produce a ringing sound when struck hard. Right? कोई भी मेटल की चीज है वो किसी कोई और चीज के साथ वो स्ट्रक होगी तो उसमें एक साउंड प्रोड्यूस होता है. राइट? पर वो जो चीज उसके साथ स्ट्रक होती है मीन्स उसके साथ, तो वो चीज हार्ड होनी चाहिए. राइट? हार्ड ऑब्जेक्ट कैन स्ट्रक विद द मेटल, दे कैन प्रोड्यूस अ साउंड. सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ पाउडर एंड द अदर ऑफ मेटल. राइट? आपके पास दो एक जैसे ही बॉक्स है, एक किसका बना है, वुड का, और दूसरा है वो मेटल का बना हुआ है. कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड अप ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? तो आप ये कह सकते हो कि कौन सा बॉक्स है वो मेटल का बना होगा. राइट? जो वुड में से साउंड प्रोड्यूस होता है और जो मेटल में से साउंड प्रोड्यूस होता है वो दोनों डिफरेंस होते हैं. तो हम हमारे जो डेली रूटीन में हमने कितनी बार ये नॉइज कान में सुना होगा. राइट? हम कोई भी मंदिर में या जाते हैं तो वो जो बेल है वो कैसी होती है, मेटल की बनी हुई. राइट? हमारे स्कूल का बेल. राइट? तो हम इजीली पता चला हमें जाता है कि कौन सा है वो मेटल का है एंड कौन सा है वो वुड में से बना है. राइट? मेटल की आवाज़ कैसी होती है, वुड के कंपेयर में लाउड होती है. सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरस. मीन्स जो मेटल में से साउंड प्रोड्यूस होता है वो सोनोरस, मीन्स हमें सुनना अच्छा लगता है. द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस. और जो मेटल्स के अलावा होता है कोई मटेरियल तो उसमें से इतना अच्छा साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है. आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्टर, मेलेबेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ हमने अलग अलग एक्टिविटी से हमें ये देखा कि कुछ मटेरियल है वो कैसे है, हार्ड, फिर लस्टर्स, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. राइट? ये सभी प्रॉपर्टीज है, हमने बारी बारी से आगे सब एक्टिविटीज में वो देखा है. द मटीरियल्स विच जनरली पजेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स. राइट? तो ये सभी प्रॉपर्टीज जो मटीरियल फॉलो करता है, जिसकी होती है, उसे हम मेटल्स कहते हैं. यहाँ सभी में दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आप भी अंडरलाइन करना. द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा. तो ये दूसरा पॉइंट होगा कि मेटल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं. इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस. राइट? जो कोल और सल्फर जैसे मटेरियल है वो सॉफ्ट है, हमने टेबल 4.1 में देखा था. दे ब्रेक डाउन इन टू ए पाउडरी मास ऑन टेपिंग विथ अ हैमर. और जब हम उसके ऊपर हैमर से उसे मारेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, पाउडर जैसे में कन्वर्ट. दे आर नॉट सोनोरस. एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दीज मटीरियल आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. राइट? तो जो साउंड है वो सोनोरस मीन्स हमें अच्छी नहीं लगती है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है. तो इस टाइप के मटेरियल्स को हम कहते हैं नॉन मेटल्स. जो हमने 4.1 एंड 4.2 टेबल में ये सब कुछ वहाँ पे हमने किया था.
एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फोस्फोरस। तो यहाँ पे जो मेटल्स के एग्जाम्पल थे ये है सब नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल, राइट? सल्फर, ऑक्सीजन, फोस्फोरस, कार्बन। मेटल्स नाइट्रोजन ओके एंड पोटेशियम्स आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ ए नाइफ, राइट? यहाँ देखो ये एक मेटल्स की जो सब कैरेक्टरिस्टिक है उससे थोड़ा अलग है कि सोडियम एंड पोटेशियम है वो कैसे है, सॉफ्ट है, जिसे हम नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। हमने यहाँ देखा जो मेटल है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, राइट? पर ये सोडियम एंड पोटेशियम है वो कैसे है, सॉफ्ट है। उसके अलावा मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। और ये तो हमने सिक्स्थ में भी बहुत बार ये पढ़ा है कि मर्क्यूरी ऐसा एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, राइट? बाकी के सभी मेटल्स कैसे स्टेट में होते हैं, सॉलिड, राइट? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, थ्री स्टेट में से मेटल ऑलवेज फाउंड इन सॉलिड स्टेट, बट मर्क्यूरी इज ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। दीज आर एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्टेशन मीन्स ये सर दो चीज इनमें मेटल के जो कैरेक्टरिस्टिक है उनमें से ये अलग है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक 4.2, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने आगे ये जो भी पढ़ी वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी, राइट? फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स उसके शेप और उसमें जो भी चेंज होता है वो कैसा होता है। बट अब जो हम पढ़ेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट? ये हम सबको हम डेली लाइफ में ये ऑब्जर्व करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स कोई भी जो आयरन की चीज होती है उसमें काट जम जाता है, राइट? रस्टिंग मीन्स काट। अभी तो जो मॉनसून सीजन है उसमें वो ज्यादा होता है सब। हमने ये तो हर रोज घर में भी कोई भी चीज में ऑब्जर्व करते हैं, स्कूल आते तो हमारी बेंचेस पे लगा हुआ हम देखते हैं। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म, राइट? तो यहाँ पे जो रस्ट रस्टिंग होता है उसमें कौन सा रिएक्शन होता है। यू हैड ऑल ऑल्सो परफॉर्म इन क्लास 7 एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ए मैग्नेशियम रिबन इन एयर। You had learned that in both the process oxide formation take place, right? जब मैग्नीशियम की रिबन हमने जलाई थी, राइट? जब वो बर्न होती है तो वहां से क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्साइड। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। तो आयरन है वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नॉर्मली हमें एयर में से ही मिलता है, राइट? एयर में ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होता है। तो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, यहाँ उसकी जो केमिकल रिएक्शन हमें दिया है। आयरन को कहते हैं Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस वाटर H2O। तो वो हमें उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है। एंड नेक्स्ट है मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करके हमें क्या रिजल्ट देता है। ये दोनों प्रोसेस है। लेट अस टॉक, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.3। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो यहाँ जो हमारा यहाँ प्रोसेस दी है ऊपर, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर, इन तीनों के बीच में जो प्रोसेस होती है यहाँ पे हम देखेंगे। कलेक्ट ए स्पून फुल ऑफ रस्ट एंड डिजोल्व इट इन अ वेरी लिटल अमाउंट ऑफ
वाटर, राइट। आयरन की जो डस्ट होती है उसे वाटर में आप डालो, यू विल फाइंड द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर, शेक द सस्पेंशन वेल, राइट। यहाँ पे आपको देखो फिगर में दिखाया है, शेक द सॉल्यूशन विथ द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ये आपका लिटमस पेपर है, राइट। तो उस सॉल्यूशन में आप बारी बारी से लिटमस पेपर, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर आप उसमें डाल के आप ये ऑब्जर्व करो कि लिटमस पेपर में क्या चेंज होता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। तो आपको ये हमने ये लिटमस पेपर भी बनाए थे और आपको बोला था कि रेड जब टर्न होता है ब्लू में तो कौन सा होता है, एसिड या बेस। डस कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, जिस तरह से आयरन है उसमें रस्टिंग होती है उसी तरह से कॉपर में भी होती है, पहली को ऐसा क्वेश्चन हुआ। आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स, राइट। कॉपर के जो बर्तन होते हैं उसके आसपास ऐसा ग्रीन कलर का डिपोजिट हुआ हुआ उसे दिखाई देता है। व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, इट एक्वायर्स डल ग्रीन कोटिंग, राइट। जब कॉपर है वो लंबे समय तक जो एयर है उसके साथ कांटेक्ट में आते हैं तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का डल कोटिंग हो जाता है। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं CuOH2, राइट। जो कॉपर है उसके ऊपर ग्रीन कलर का कोटिंग लगता है तो उसे कहते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट CuCO3। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन, यहाँ पे देखो उसका रिएक्शन दिया है Cu कॉपर 2 टाइम्स प्लस H2O जो मॉइस्चर होता है प्लस CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस O2 जो एयर में से ऑक्सीजन होता है, राइट। यहाँ मॉइस्ट एयर देखो, यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है H2O प्लस CO2, राइट। एयर में ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन होता ही है, राइट। इट गिव्स अस CuOH2 प्लस CuCO3, ये रिएक्शन किस तरह से बैलेंस है वो हम आगे पढ़ेंगे कि बैलेंस है या नहीं। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, राइट। हमने आगे बोला कि मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न होती है, वो एक्टिविटी वापस याद करें। द एस ऑब्टेन ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजोल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर, तो उसकी जो एस, राइट, एस पता है ना, वो जब हमें मिलती है जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करके तो उसे हम पानी में डाल के वो उसका टेस्ट करना है कि वो एसिडिक नेचर में है या बेसिक। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, हाउ डू यू एश्रेशन दिस, तो वो हम किस तरह पता लगाएंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न होता है सो वो ऑक्साइड है, वो कैसे नेचर के है, बेसिक नेचर के। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, इन जनरल मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो जो मेटालिक ऑक्साइड मीन्स जो मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करके उसके जो ऑक्साइड मिलते हैं वो ज्यादातर बेसिक नेचर के ही होते हैं। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, यहाँ हमने मेटल्स का देखा
अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स का जो है ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस होके ऑक्साइड मिलते हैं, वो जो हम नेक्स्ट कल के पीरियड में देखेंगे। ओके, थैंक यू।